नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। समाजवादी पार्टी का चिन्ह साइकिल अखिलेश यादव के खेमे को मिल जाने के बाद अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन की खबरें तेज हो गई हैं। यानी कि आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में गठबंधन देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के नेता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने इस बात की पुष्टि कर दी है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये गठबंधन होगा और सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने बाकी पार्टियों के साथ महागठबंधन करने की बात पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। वहीं अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात की पुष्टि कर दी है और कहा कि आने वाले कुछ दिनों में इसकी घोषणा की जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ने भी इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे सीएम पद की उम्मीदवारी से अपना नाम बिना किसी परेशानी के वापस ले सकती हैं, क्योंकि सीएम पद के लिए दो दावेदार नहीं हो सकते। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि वे अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच साइकिल के चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद पर चुनाव आयोग ने फैसला अखिलेश यादव के पक्ष में सुनाया है। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।